अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं चिकन की एक और रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे हरियाली चिकन, इसे हरे मसाले का चिकन भी कहते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत कम समय में और कम मसालों में बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। हरे मसाले का चिकन बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो देखते हैं, वो इस तरह से हैं। दो बारी कटी प्याज, वन बोल हरा धनिया, वन बोल पुदीना, 5-6 हरी मिर्च, 500 ग्राम मैंने यहाँ पर चिकन लिया है, 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाले में मैंने यहाँ पर 2 बड़ी इलायची, 1 जावित्री का फूल, 2 दालचीनी स्टिक, 2 बड़ी इलायची, 4-5 लौंग, 2-3 हरी इलायची, 2 तेज़पत्ते, 1 नींबू का रस, 2 टेबल स्पून मक्खन, 1 बोल दही पाउडर। मसाले में हमें चाहिए गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी रख सकते हैं नमक, धनिया 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर। एक ग्राइंडर लेंगे, उसके अंदर नींबू का रस ऐड करेंगे और हरी मिर्च ऐड करेंगे, हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे और इनका बारीक पेस्ट बना लेंगे। कुक करने के लिए यहाँ पर हम एक बड़ा पैन लेंगे, उसके अंदर 3-4 टेबल स्पून ऑयल डालकर मक्खन ऐड करेंगे और मेल्ट होने देंगे। बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे और फ्राई करेंगे, साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे और फ्राई करेंगे। मीडियम लो फ्लेम पर हमें इसको प्याज को फ्राई करना है, डार्क नहीं करना है, 2 मिनट ही इसे फ्राई करना है। इसके बाद इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे और उसको अच्छे से फ्राई करेंगे। 3-4 मिनट मीडियम फ्लेम पर हमें इसको फ्राई करना है और इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और 2-3 मिनट मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। इसके बाद ग्रीन पुदीना का पेस्ट, हरे धनिया का पेस्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे और फ्राई करेंगे, सारे पाउडर मसाले ऐड करेंगे। तब तक हम इसको फ्राई करेंगे जब तक इसका पानी सूख ना जाए। 4-5 मिनट हमें इसको हाई फ्लेम पर कुक करना है। इसके बाद दही ऐड करेंगे, दही का हमें पेस्ट बनाकर ऐड करना है जिससे इसमें कोई लम्स ना रहे। कसूरी मेथी ऐड करेंगे और फ्राई करेंगे और बिना पानी डाले हमें इसको कुक करना है। 5-7 मिनट लो फ्लेम पर लिड लगाकर इसको कुक करेंगे जब तक हमारा चिकन टेंडर ना हो जाए। पाँच से सात मिनट बाद अब हम इसको खोलकर देखते हैं ढक्कन को। चिकन के अंदर हमारे पानी है अभी हमें इसको ढक्कन हटाकर खुश करना है बिल्कुल। यहाँ पर मैंने 1 पिंच ग्रीन फूड कलर ऐड किया है, इससे हमारा चिकन के ऊपर थोड़ा कलर डार्क हो जाएगा और देखने में भी ब्यूटीफुल लगेगा। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। कलर डालने के बाद हमें 3-4 मिनट इसको लो फ्लेम पर कुक करना है। हरियाली चिकन हमारा बनकर तैयार हो चुका है, अब इसको डिश आउट करेंगे। देखिए कितना औसम लग रहा है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए और हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी हौसला अफजाई करते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल 1 टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।